नमस्कार, स्वागत है आपका एनएस प्लस पर। आज भीड़ जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये आपको जो दिख रहा है, ये ईडी के द्वारा माननीय झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी के द्वारा जो नोटिस सम्मन पत्र दिया गया, नोटिस दिया गया है, उसके समर्थन में यहाँ झारखंड के सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद है, जो आपको दिख पा रहा है भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं रांची उनके आवाज़ पे पहुँचे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री साहब आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री को जो है ईडी कार्यालय 11 बजे तक जाना था, जो कि नहीं जा पाए, नहीं गए हैं। इनको मुख्य अतिथि के तौर पर रायपुर जाना है कोई कार्यक्रम को लेके, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री साहब जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए, और यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये सम्मान के विरोध में आप जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के सम्मान के विरोध में ही है, और देखते हैं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में एक ये समझा जाए तो एक बहुत बड़ा एक आगाज है कि आप हमें यूं परेशान ना करें, क्योंकि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ पूरे झारखंड के लोग हैं, हमारे साथ झारखंड के पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ हैं, आप हमें यूं ही परेशान नहीं कर सकते हैं। तो मैं आइए हम यहाँ के लोगों से भी जानते हैं, यहाँ जो समर्थन में आए हुए जो तो मैं हम लोगों से बात करते हैं जो इनके समर्थन में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये सम्मन के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री को जो ईडी नोटिस किए हुए हैं और इनके सम्मन के विरोध में इतने कार्यकर्ताओं की जो भीड़ उमड़ पड़ी है इनके आवाज़ पे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग शहीद परिवार से हैं और लड़ के लिए हैं झारखंड, और अभी ईडी वाला तंग कर रहा है, हम लोग नहीं तंग करने देंगे, लड़ के लेंगे फिर अपना मुख्यमंत्री को रहने देंगे। पूरा झारखंड हम लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं, पूरा गरीब अभी जो आपका सरकार आपका द्वार जो चला है गरीब तक योजना पहुंच रही है, इसलिए ये सरकार रहेगी और रखेंगे। जैसा कि तो आपने देखा कि पूरी झारखंड माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में है और पूरी झारखंड की जनता इनके साथ में है, और कहना है कि हम लोग माटी की जो सरकार है, माटी की जो पार्टी है, उनके साथ हैं। और इस तरह से जो परेशान ईडी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, यह गलत है। हम लोग पूरी जनता मुख्यमंत्री के साथ हैं और सड़क से लेकर सदन तक जहां तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग जाएंगे। और ये ईडी के द्वारा जो दिया गया समन पत्र है, इसके विरुद्ध में यहां के जनता, झारखंड की जनता और माननीय मुख्यमंत्री के समर्थक उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सर? हम लोग किसी का धमकी से, किसी के दबाव से झारखंड के जनता, झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता डरता नहीं है। अब उनका कल तक उसका था, आज हमारा है। हम अपने हिसाब से झारखंड राज्य को चलाएंगे और जो जनमानस का जो जनहितोपयोगी योजनाएं हैं धरातल पर उतारेंगे। यहाँ का जो झारखंड अलग होने का उद्देश्य और लक्ष्य और प्राप्ति का जो लक्ष्य था वो सब कुछ पूरा हो रहा है। जनता इनसे बहुत खुश है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और झारखंड एक कर एक होकर रहेगा, हमारी उपलब्धियाँ है विकास। एक सवाल और है, जैसे आज 11 बजे ईडी दफ्तर जाना था माननीय मुख्यमंत्री को, नहीं गए, तो इस तरह से तीसरा नोटिस दिया जाएगा, सम्मन पत्र दिया जाएगा, उसके बाद वो उचित कार्यवाही करेंगे ईडी, तो इसमें क्या कहेंगे आप? वो जो गलत है, ये उनका जो उनके पास कोई ऐसा हथकंडा ही नहीं है, झूठा काल्पनिक बातों पर बीजेपी के इशारों पर उन्होंने नोटिस का तामेला करते हैं और बोला को प्रताड़ित करके झूठ मूठ के बदनाम करने का साजिश करते हैं, ये सरासर नाजायज है, ऐसे पर हम लोग विश्वास नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी चल रही है, यहाँ के समर्थक का कहना है, और वो इनके इशारे पे चल के माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को परेशान करने की एक ये साजिश है, और यहाँ के लोगों का कहना, चलिए और भी हम लोगों से जानते हैं, कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाहेंगे?
जो वहाँ पर रांची सही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज ईडी दफ्तर नहीं गए और वो अपने कार्यक्रम में शायद रायपुर जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? आगे बढ़ जाइए, सब भाजपा का साजिश है, क्योंकि भाजपा के नेताओं के आज तक ईडी का अभी क्यों नहीं हो रहा है? ईडी का चेक तो भाजपा के नेताओं का भी होना चाहिए। तो सिर्फ हम, मेरा कहना है कि सिर्फ जेएमएम वाले और सिर्फ कांग्रेस वाले, ये सब का ही ईडी जांच क्यों होता है? बीजेपी वालों को भी होना चाहिए। यानी कि एक तरह से केंद्रीय सरकार ही गलत है, कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार जो है झारखंड सरकार को परेशान कर रही है। तो केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो प्रदेश की सरकार, झारखंड की सरकार को बदनाम करने की यह साजिश है जो आप देख सकते हैं। इतनी भारी भीड़ है, ये ईडी के द्वारा दिया गया समन पत्र के विरुद्ध में यहाँ के जो झारखंड के जो जनता है, मुख्यमंत्री के समर्थक है, वो यहाँ भारी भीड़ में यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निकलेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री जी के समर्थक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सम्मान के विरुद्ध में लगातार नारेबाजी करते आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है मोहराबादी मैदान से लेके इनके आवास तक, यानी कि 1 किलोमीटर के दरमियान में काफ़ी भीड़, एकदम पूरा रोड जाम है। पूरे झारखंड प्रदेश से सभी समर्थक यहां पहुंचे हुए हैं। जो ईडी के द्वारा दिया गया नोटिस है, सम्मन पत्र है, उसके विरोध में, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए यहां लोग पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का संबोधन शुरू होने वाला है और आप बने रहिए। आप देख, झारखंड के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी सिपाहीगण, आप सब लोगों का इस उपस्थिति के लिए आप लोगों का मैं आभार, शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। क्योंकि अचानक परिस्थिति और राज के राज में जो उत्पन्न परिस्थिति है, इस परिस्थिति की चिंता को लेकर राज के अंदर एक अहोपाहो की स्थिति बनाने का और वर्तमान गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने का जो पहले से ही अनुमानित था, ये एक बड़ा षड्यंत्र सरकार बनने के बाद से ही रचना प्रारंभ हुआ था। बढ़िया लोग विचार, कई बार हमारे विरोधियों ने अपने षड्यंत्रकारी जाल को अंजाम देने का प्रयास किया और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। बीस सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार और इतनी मजबूत सरकार किस तरीके से कोरोना से लेकर, जिस तरीके से सुखाड़ को लेकर और जिस तरीके से आज सरकार राज्य के गांव गांव कोने कोने में ग्रामीण किसान गरीब मजदूर मूलवासी आदिवासी के बीच में सरकार के अधिकार उन तक पहुंचा रही है, इसको लेकर हमारे विपक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है और एक एक प्रकार वो अपने षड्यंत्र को अंजाम देने पे लगे। बड़ा विचित्र बात है, मुझे लगता है देश में ये सबसे
चल ऊपर वाला अजूबा सा भ्रष्टाचार को लेकर ये अपना छाती पीट रहे हैं। झारखंड खनिज संपदा प्रदेश है जहां कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, यूरेनियम है, सोना है, चांदी है, अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा है और उन खनिज संपदाओं में आज तक हमारे विपक्षियों को कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आया और आज इनको भ्रष्टाचार आया है और भ्रष्टाचार दिख रहा है तो बालू और गिट्टी में दिख रहा है। बड़ा ही अजीब और उन कोयला लोहा में भ्रष्टाचार और घोटाला इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि ये सारे भारत सरकार उपक्रम खनन कर रही है। आज 20 सालों में जो इन लोगों ने अपना पाप किया है, जिस तरीके से लोहा कोयला खनिज संपदा चाहे वो मेजर मिनरल हो माइनर मिनरल हो, जिस तरीके से इन लोगों ने बंदरबांट किया लूटा है, अपना पाप का टिकरा आज इस सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर रहा है। इनके एक एक मुकदमे को हम लोग नाकाम कर रहे हैं। आप लोग तैयार हैं, इस राज को हम लोगों ने लड़ कर लिया है, इनके षड्यंत्र को भी हम लोग लड़ कर नाकाम करेंगे। आज जिस तरीके से राज्य का विकास का गति धीरे धीरे रफ्तार ले रहा है, इन लोगों ने इस राज्य के गरीबों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, मजदूरों को 20 साल तक जिस तरीके से शोषण किया है ये किसी से छुपा नहीं है। अब इनको आने वाला समय में इस राज्य का बुजुर्ग, इस राज्य का नौजवान, इस राज्य का किसान, इस राज्य का मजदूर आने वाला समय में मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी है और इन लोगों ने हमेशा से इस पार्टी को आज इन लोगों ने हमेशा से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को बदनाम करने का काम किया। ये लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ा आगे बढ़े, ये इनको आदिवासियों से दलितों से चिढ़ रखती है। ये सामंती सोच वाले लोग, ये आज से नहीं युग युग का इतिहास है जहां ऐसे कमजोर वर्गों को इन लोगों ने हमेशा दबाया है और आज जब ये लोग अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, आज राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से ये समाज आगे बढ़ रहा है तो इन समाज को कैसे हम खुचले इसका एक एक प्रकार है। कभी ये सीबीआई का बहाना लेते हैं, कभी ईडी का बहाना लेते हैं, कभी कोर्ट कचहरी को लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। आज कल ये लोग इस राज में कुछ बाहरी गैंग सक्रिय हो चुका है जो इस राज के यहाँ के बोलवासी आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहता। हमने उन गैंगों का पहचान कर लिया है और एक एक को हम लोग जवाब दे रहे हैं। आप इस राज में बाहरियों का नहीं झारखंडियों का चलेगा। आज ये लोग जांच के नाम पर, जांच के नाम पर, इंक्वायरी के नाम पर सरकारी कार्यपालिका में ये संदेश देना चाहते हैं। ये सरकार बनने के बाद से ही रोज इनका सरकार बन रहा है
रोज इनका मुख्यमंत्री नया बन रहा है। चार चार पांच पांच उपचुनाव हुए, चारों पांचों उपचुनाव में इनको औंधे मुंह खानी पड़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है। और वो भी दिन दूर नहीं है, आने वाला लोकसभा और विधानसभा में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों का सुपड़ा साफ करने का काम है। तैयार कीजिए, गांव गांव पहुंचिए, लोगों के बीच संदेश देने का काम कीजिए कि इस राज को किस तरीके से ये लोग और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बदनाम करने पे लगे। आज विगत कोरोना का लड़ाई, आज सरकार आपके द्वार की योजना घर घर लोगों तक पहुंच रहा है, आज इससे इनकी घबराहट इतनी है कि आने वाला समय में इनको झंडा ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। और आप लोग देख रहे हैं पूरे राज्य में उल्लास का माहौल है, गांव गांव में शिविर लग रहे हैं, लोगों को अधिकार प्राप्त हो रहा है। आज इस आदिवासी राज्य में 20 वर्षों में एक दिन भी आदिवासी दिवस नहीं मना, वर्तमान सरकार ने 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मना करके इस राज्य में आदिवासियों की पहचान बनाया। और आज भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है, उसका मुख्य अतिथि के रूप में मुझे पहले से ही आमंत्रण प्राप्त है और बड़ा षड्यंत्र के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि आप यहाँ ईडी में अपना हाजिरी लगाइए। अजीब भारत, अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ तो हमने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया है, संबंध क्यों बेचते हो? अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो, सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, फिर इस रात का जनता जवाब। इसलिए साथी, ये वीर भूमि है, झारखंड वीरों का भूमि है, हर कोने में हमारे इतिहास पुरुष खड़े हैं, आज हमें उस जज्बा को फिर से कायम करना है। बड़ी मुश्किल से 20 सालों के बाद आज मूलवासियों की सरकार इस राज्य में बड़ी मजबूती से इस राज्य के विकास में लगा है और आज इनको यह कमी खलती है कि किन प्रकार इनको हम डराए, कोर्ट कचहरी करे, ईडी सीबीआई का चेहरा दिखाए, क्योंकि ये सामने तो नहीं आ सकते। आज इसीलिए जो मुझे सुनने में आया है, ईडी का ऑफिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी की ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या जरूरत पड़ी है कि उनकी ऑफिसों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्यों डर लगता है क्या झारखंडियों से? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, जब झारखंडी अपनी चीजों पर उतर आएगा तो वो दिन दूर नहीं जहां आप लोगों को यहां सर छुपाने का भी जगह नहीं मिलेगा। आज इस राज्य की खनिज संपदाओं को और इस खनिज संपदाओं के माध्यम से इस राज्य के कारखानाओं में रोजी रोजगार के नाम पर आए हुए कुछ भारी लोग अब यहाँ पर अपना कब्जा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक झारखंड नहीं है। इसलिए साथी, आप लोग बिल्कुल अपना हौसला बुलंद रखें और अपने आप आंदोलन को धारदार इनके जो मंसूबे हैं आप गली मोहल्ले में इनके षड्यंत्र को पहुंचाने का काम करना है और आने वाला समय इनको राजनीतिक रूप से हम जो जवाब हमें देना है वो इस तरीके से दे कि दोबारा सर उठाने का हिम्मत ये ना करें। आज केंद्र से जब हम पैसा मांगते हैं, राज्य सरकार का जब अधिकार मांगते हैं तो ये लोग अधिकार के जगह सीबीआई ईडी भेजते हैं। आज हम लोगों को गरीबों के लिए आवास जो हमें गरीबों को उपलब्ध कराना है उसका स्वीकृति केंद्र सरकार नहीं देती। आज जीएसटी लगा करके पूरे देश के लोगों को पंगु बना दिया, राज्यों को भंगा की स्थिति पे ले आया और इनके व्यापारी साथी अरबों खरबों लूट के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं।
सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, ये लोग विशुद्ध रूप से व्यापारी लोग हैं और व्यापारियों का क्या चाल चलन होता है ये किसी से छुपा नहीं है। ये लोग देने वाला नहीं है, ये लोग लेने वाला है लोग है। और हम लोग बांटने वाले लोगों में से। आज जिस तरीके से हमारे आदरणीय गुरुजी ने, हमारे आंदोलनकारी साथियों ने, हमारे आंदोलनकारी शहीदों ने अपना खून पसीना बहा करके जिस तरीके से इस राज को हमें दिया है, आज इसे संवारने का, इसे बनाने का, इसका विकास करने का जिम्मा अब हम लोगों को उठाना है। और अब ये आपकी सरकार जिस तरीके से आदरणीय दिशोम गुरु ने ये राज ला के दिया है और ये हेमंत सोरेन इस राज को 1932 का खतियान देने जा रहा है। और आज ये हेमंत सोरेन इस राज के ओबीसी को 27% का आरक्षण भी देने जा रहा है। लेकिन इनको याद नहीं कि हम किस के वंशज है और ये झारखंड किसका धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका बाजी, वीर बुद्धू भगत जैसे वीर शहीदों का धरती है। हम अपने पूर्वजों को ना कभी भूले हैं ना किसी को भूलने दें। इसलिए साथी मजबूती से अब इनके राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हमें गांव से लेकर पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला से लेकर पूरे राज्य तक पूरे मजबूती के साथ देना है और इस तरीके से देना है। अभी इन लोग सुने हैं कि कल परसों धरना प्रदर्शन करें, चुन चुन करके याद उनको पहचान कीजिए कौन लोग धरना प्रदर्शन पर जाते हैं। उन सबको समय आने पर सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथी आप लोग यहां आए, आप सब लोग की भावनाओं को मैं समझता हूं और इनको याद नहीं है झारखंड के लोग ने जब ठान लिया अपना लड़ाई लड़ने का, ये तब तक लड़ेंगे जब तक हम मंजिल ना हासिल करें अपना अधिकार ना प्राप्त। अरे ये हमारी पार्टी तो हम लोगों ने 40 साल संघर्ष किया राज को बनाने में, तो ये छोटा मोटा लड़ाई के लिए घबराने से और इन सब चमकाने से कोई नहीं चमक सकता। आज 20 सालों में इन लोगों ने, चाहे इस राज का किसान हो, चाहे इस राज का मजदूर हो, चाहे इस राज का आम नागरिक, सभी को इन लोगों ने तबाह कर दिया और योजनाबद्ध तरीके से। इनको मालूम है, जरा यहाँ एम्बुलेंस फंस रहा है, इसको एम्बुलेंस को फंसने ना दे, एम्बुलेंस को निकाल दो, चल काट के लो, थोड़ा रास्ता भाई लोग खाली कर दो, एम्बुलेंस को निकालने दो, काट के लो, काट के लो दोबारा। अंजाम का हम चिंता नहीं करते। दिशम गुरु शिव शरण जिंदाबाद, शिव शरण जिंदाबाद। आज बहुत सारी लड़ाई लड़नी है, हमें राजनीतिक रूप से भी लड़ाई लड़ना है, कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ना है और इनके षड्यंत्रकारी चीजों से भी लड़ाई लड़ना है। इन लोगों ने एक एक प्रकार अपने राजनीतिक एजेंडे को फंसाने के अमल करने के लिए इन लोगों ने जो हथियार बनाए, स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, हमें भी मालूम है कितना स्वतंत्र है आज के दिन। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में उनका कोई भी इनके पास जाए तो सब दूध का धुला हो जाता है, बाकी सब गंदा। आज पूरा देश का हालत वही इन लोगों ने कर रखा है। आज इसलिए इनकी हर एक चाल को समझना, आज गरीबों के प्रति, आम नागरिकों के प्रति,
जो संवेदना है वर्तमान सरकार में, चाहे कर्मचारी लोग हो, चाहे आम नागरिक हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, नौजवान हो, आज यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा नौजवान विदेशों में सरकारी पैसे से पढ़ाई कर रहा है। कभी नहीं हुआ कि इस राज्य में ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ का नौजवान शिक्षित हो, बेहतर पढ़ाई कर सके। इसलिए साथी, हमें कोई चिंता नहीं है। आप लोग आए, आप लोग का बिल्कुल अस्पष्ट ये हो जाना चाहिए, इससे हम घबरा नहीं रहे, इससे बल्कि हम और तप के निकलते हैं और मजबूती होकर के निकलते हैं। जब जब ऐसे विपरीत परिस्थिति आती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। हमें लड़ने का और ताकत मिलता है, हमारे लोग और ताकतवर होते हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी हमारे अभी लोग छुप छुप करके कभी गवर्नर हाउस में रात बिताता है, कभी ईडी हाउस में रात बिताता है, कभी सीबीआई के यहाँ रात बिताता है, कभी प्रधानमंत्री जी के घर में रात बिताता है। जब मोदी डरता है, इनको लगता है, जब मोदी डरता है, इनको लगता है कि हम जेल भरेंगे तो हम इनको डरा देंगे। कहाँ है? अरे जेल भरने का अभियान अगर हम शुरू कर देंगे, इतने लोग निकलेंगे कि जेल में जगह भी नहीं बनेगी, आपकी बता देंगे। वो भी हो जाए, कब्जा करने का जरूरत है, साफ बात जाएगा। देखो उधर से और भी जल शराब लोग आ रहा है। ठीक है ठीक, साथियों अभी और कई सारे लोग लगातार आ रहे हैं, और इनको लगता है कि हम लोग उपद्रव करते हैं। उपद्रव नहीं, अधिकार अगर जो छीनेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और वही हाल है, ये लोग अपना संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कितने दिनों तक ये चलेंगे, कितने दिनों तक अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। अब इनकी राजनीतिक रोटी पकेगी नहीं, बल्कि जला देना के काम कर रहा है। और अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है, मैं तो यहां से कहता हूं गुजरात में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों, समझ जाओ, और एक भी आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी को ना जाए, इसका संकल्प लो। इन लोगों ने आदिवासियों को, दलितों, एक मजाक समझ रखा है, शोषण का एक जरिया समझ रखा है। और आज समय आ गया है इनको जवाब देने का। इन लोगों ने 2014 से डबल इंजन की सरकार, पिछले बार हम लोगों ने देखा, डबल इंजन का एक सरकार तो उतर गया है, अब दूसरा इंजन बाकी, उसका भी आप तेजी से तैयारी करने का जरूरत है, तेजी से तैयार। अभी और भी भाई लोग आ गए। आप देखिए, हमें भी विलंब हो रहा है, हम छत्तीसगढ़ हमें जाना है, पूर्व से यहां घोषित है। और आपको हम बता दें कि यहां तारीख को हम लोग का स्थापना दिवस भी मनने जा रहा है, और यह सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगा, ये हम आपको वादा करते हैं। इस सरकार का बाल भी ये नहीं बाका कर पाएंगे, और ये हमारा स्थापना दिवस इस बार का हम लोगों ने जो प्रोग्राम तय किया है, ये भव्य इस बार स्थापना दिवस मनेगा। और हमारे आग्रह पर आदरणीय देश के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुख्य अतिथि भी हमारा स्वीकार किया है, इसके लिए भी हम बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देते हैं। और इनको मालूम है कि आज किस तरीके से वर्तमान सरकार राज्य के लिए काम कर रही है, इसको कैसे रोका जाए।
कि एक एक प्रकारे इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़कर झूठे केस में, फर्जी केस में डाल रखा है, और वो भी कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। और वो चितपुर नहीं, आज इसी के लिए कैसे हम और नया नया षड्यंत्र रचे। तो चलो भाई, आज हम सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो हमारी ताकत ये है कि मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं। तो हम तो चुनौती देते हैं, हमसे इंक्वायरी मत करो, हमको गिरफ्तार करके दिखाओ, हमको गिरफ्तारी करो, हमने कौन सा गुनाह किया है। अजीब हालत, पूछताछ का मतलब क्या होता है? पूछताछ का अगर आपको पता है गुनाहगार मैं, और आज तो हम गवर्नर साहब जो लिफाफा लेके घूम रहे हैं, हम तो पहले देश का मुख्यमंत्री होगा, तो हमने कहा जो सजा इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो सुना के दिखा दो। फिर भी आज तक वो लिफाफा इनका खोल नहीं पाया। और ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है, ये लोग बड़े सुनियत तरीके से अपने षड्यंत्र को अंजाम देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब नियत साथ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, लेकिन नियत बेमान हो तो ऊपर वाला भी इनका साथ नहीं देता है। नतीजा ये है, कई बार सरकार गिराने का साजिश हुआ, लेकिन हर बार इनको मुंगी खानी पड़ी। इसलिए साथी, यहाँ स्कूल बस वगैरह भी फंस रहा है, हम लोग नहीं चाहेंगे बच्चों का और ज्यादा यहाँ समय जाया करे, इसलिए तैयार रहे अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए, अपने अपने क्षेत्रों में जाइए। इन्हीं बातों के साथ जय झारखंड जी का गंतव्य समाप्त हो चुका है। कार्यकर्ता लोग भी अपने अपने मंजिल की ओर जो अपने रही आईना प्लस के साथ, सच दिखेगा तो बोलेगा जय झारखंड, जोहार झारखंड।